स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अंजलि मुदगल। बुलेटिन में रुख करेंगे सुपर फास्ट का। देश में कोरोना का आंकड़ा 47 लाख के पार, 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले आए सामने, वहीं एक दिन के भीतर 1,114 लोगों की हुई मौत। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने की सलाह, स्मोकिंग से दूर रहने और योग करने को भी कहा। कोरोना का कहर लगातार जारी, पंजाब में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 19,384, हरियाणा में 2,783 नए मामले आए सामने, तो हिमाचल में कोरोना के 3,194 केस एक्टिव। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में कराया गया भर्ती, बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें भर्ती कराया गया, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली के आईटीबीपी कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने किया योग, इस कोविड सेंटर में पेशेंट्स को योग सेशन और होलिस्टिक थेरेपी दी जाती है, रोगियों के मेंटल हेल्थ के लिए आईटीबीपी के मनोवैज्ञानिक रोजाना सेशन करते हैं। मोगा से विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान दिया, आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर हरजोत कमल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद उन्होंने प्लाज्मा दान किया। पंजाबी सिंगर और अभिनेत्री भूमिका शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर वो पूरी तरह से एहतियात बरतें और सभी लोग कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं, उन्होंने पंजाब सरकार के मिशन फतेह को सफल बनाने की अपील की। कृषि अध्यादेश पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने गुरदासपुर में अकाली दल पर हमला बोला, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने अकाली दल से तीनों अध्यादेशों पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा, साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ये ऑर्डिनेंस ले आती है तो सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल का क्या स्टैंड रहेगा और क्या केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। जम्मू में सिख यूथ ट्रस्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा न दिए जाने से दो दिन का हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू किया गया जिसमें सिख युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना संकट के बीच देशभर में आज नीट की परीक्षा जारी, परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान, 16 लाख परीक्षार्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनें बठिंडा के लिए रवाना की गई, ये ट्रेन सुबह 9:15 के आसपास बठिंडा पहुंची, नीट परीक्षार्थियों ने श्रीगंगानगर से परीक्षा स्पेशल ट्रेन के संचालन पर आभार जताया। भुवनेश्वर में छात्रों को परीक्षा में जाने से पहले गायत्री मंत्र का पाठ कराया गया, कोरोना वायरस को देखते हुए देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही छात्रों का टेम्परेचर चेक करके ही परीक्षा में बैठने की इजाजत। पंजाब की जनता ने एक बार फिर से एसएफजे के मंसूबों पर फेरा पानी, ट्रेन रोकने के आह्वान को किसानों ने सिरे से नकारा, पूरे पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल, अलर्ट पर पुलिस। लुधियाना में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए, महिला ने पति पर आरोप लगाया नशे और देह व्यापार का धंधा चलाने का, महिला के मुताबिक उसका पति दिल्ली से विदेशी लड़कियों को बुलाता था और ये धंधा चला रहा था। अमृतसर के सुल्तानगंज इलाके में रहने वाली एक महिला की दरिंदगी आई सामने, जहां अपने बच्चे को बेदर्दी से पिटाई कर रही है, अब इसका वीडियो हुआ वायरल, बताया जा रहा है कि बच्चे की इतनी पिटाई की गई, बच्चे की हाथ और पैर की हड्डी टूट गई। अमृतसर के मोहकमपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली, मृतकों के नाम मंगल और संजीव बताए गए, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होशियारपुर के मुकेरिया हाइडल में एक कार नहर में गिर गई जिसमें दो युवक सवार थे, खबर लगते ही पटियाला से गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाश की गई, एक युवक का शव बरामद किया गया लेकिन दूसरे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। सोनीपत के गन्नौर में दो लोगों की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। रोहतक जिले के मोखरा गांव में पशुओं की डेयरी में सो रहे एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, घटना का पता उस वक्त चला जब परिवार के लोग सुबह डेयरी में पहुंचे, पुलिस के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और केस दर्ज किया। चरखी दादरी जिले के गांव लांबा में कल रात 70 साल के बुजुर्ग रिसाल की गला रेतकर हत्या की गई, बुजुर्ग रिसाल गांव के बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाता था, बुजुर्ग की हत्या के बाद ग्रामीणों ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने जिसमें शिवाजी नगर इलाके में लगभग 45 साल का व्यक्ति घर के बाहर से बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चुराते सीसीटीवी में कैद हुआ। हरियाणा में कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे किसानों से उनके सुझाव लेने के लिए बनाई गई 3 सांसदों की कमेटी ने पंचकुला में किसान संगठनों से बातचीत की, सांसद बृजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और नायब सैनी पंचकुला पहुंचे।
सफेद मक्खी और उखेड़ा बीमारी से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए किसानों का धरना सातवें दिन भी जारी। किसान सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे। पंचकुला में घग्गर नदी में बढ़ते हादसों की वजह से प्रशासन ने धारा 144 लगाई। अगस्त और सितंबर के महीने में यहां पानी का बहाव ज्यादा होता है और हर साल हादसे होते हैं, लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद भी यहां जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल में इको टूरिज्म गांव बनाने की तैयारी हो रही है, जहां हरियाली के साथ हिमाचल की परंपरा की पूरी झलक देखने को मिलेगी। हिमाचल के सुबाथू में तैयार सीडीएस जनरल बिपिन रावत का गोरखा हेड, ताजपोशी के लिए भी यहीं से भेजा गया था हेड। सुबाथू छावनी में तैयार किए जाते हैं भारतीय सेना के गोरखा हेड। ऊना में लोग अब डाक विभाग के जरिए विदेशों में पैसे भेज और मंगवा सकते हैं, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये व्यवस्था मुख्य डाकघर और जिले के 6 उप डाकघरों में उपलब्ध रहेगी। बिलासपुर के तनबोले गांव के युवक विनोद कुमार ने हिमाचल सरकार से मदद की गुहार लगाई। विनोद दिव्यांग हैं और उनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उन्होंने कई सम्मान जीते हैं। पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना के आईएएस रोहित कुमार को ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रोहित नौकरी के साथ साथ लोगों के साथ मिलकर 7.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। चंडीगढ़ की रहने वाली 5 साल की बच्ची ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। कोरोना की वजह से पहली बार ताइक्वांडो प्रतियोगिता ऑनलाइन की गई। सोनीपत के 7 साल के मार्टिन ने 1 मिनट में 500 पंच मारने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूपी के 36 साल के व्यक्ति एम राणा के नाम था। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उनका चल रहा था इलाज। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के करीबी थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में आज संसद परिसर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। कोरोना की वजह से सर्वदलीय बैठक नहीं करने का फैसला। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सीताराम येचुरी का भी नाम। प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप में सह साजिशकर्ता बताया योगेंद्र यादव और प्रोफेसर अपूर्वानंद के भी नाम। सीताराम येचुरी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये कार्रवाई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पतन को दिखाती है। गृह मंत्रालय पर दिल्ली पुलिस के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मुंबई में नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा की उद्धव ठाकरे से अपील। अपमान से आहत होकर बोले, अगर नहीं संभाल सकते तो छोड़ दें कुर्सी, कोई और संभालेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पूर्व नेवी अफसर से मिलने उनके घर गए। अठावले ने कहा कि मदन शर्मा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। पूर्व नेवी अफसर पर हमले के विरोध में आया वीर सेनानी संगठन। राज्यपाल से मिलकर सुरक्षा की उठाई मांग। अवार्ड वापसी के साथ करेगा प्रदर्शन। रिया के एनसीबी को दिए बयान से नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रिया और सारा एक ही व्यक्ति से खरीदती थी ड्रग्स। ड्रग्स पेडलर केजे गिरफ्तार, लेकिन पूरे खुलासे पर बॉलीवुड मौन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना का रण अभी बाकी। दफ्तर तोड़ने के खिलाफ आज राज्यपाल से मिलेंगी। शाम 4 बजे से 4:30 के बीच हो सकती है मुलाकात। जोधपुर में चलती कार में लगी अचानक आग, नहीं हुई जनहानि। आग लगने से मची अफरा तफरी। राहगीरों ने कार पर मिट्टी और पानी डालकर बुझाई आग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के गांव सतेलता में आजादी के बाद अब जाकर बना लोहे का पुल। 2000 गांव वालों को जाने में मिलेगी सुविधा। गांव के लोगों ने सरकार का जताया आभार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने साझा अभियान चलाया। 2 आतंकियों के साथ हथियारों का जख्मी बरामद। बिहार के गया में नक्सल प्रभावित इलाके में वृद्ध व्यक्ति लोंगी भुयांग में अकेले काट दी 3 किलोमीटर नहर। पहाड़ से गिरने वाले पानी का रुख मोड़कर गांव के पोखर तक पहुंचाया। सोनू सूद ने मां सरोज सूद के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की है, जो गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इसके लिए सोनू सूद ने बकायदा एक ईमेल एड्रेस भी शेयर किया। सोनू ने एक नया नारा देते हुए कहा, हिंदुस्तान बढ़ेगा तभी जब पढ़ेंगे सभी।